मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस पुलिस ने एक बार फिर फर्जी विधायक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि सिविल लाइंस के इलाके दीनदयाल नवीन नगर निवासी केवल चंद्र धवन को एक बार फिर थाना सिविल लाइंस पुलिस ने लोगों की शिकायत पर गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि दीनदयाल नवीन नगर निवासी केवल चंद्र धवन का पड़ोसी सचिन से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। सचिन की शिकायत पर सिविल लाइंस पुलिस मौके पर पहुंची। खुद को पूर्व विधायक व होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को उम्मीदवार बताने वाले केवल चंद्र धवन को गिरफ्तार कर लिया गया और थाने लाया गया और चालान का न्यायालय में पेश किया गया। गौरतलब है कि पकड़ा गया फर्जी विधायक अपनी गाड़ियों पर हूटर और बत्ती लगाकर मोहल्ले के लोगों पर ही अपना रौब झाड़ता रहता था। पिछले दिनों सिविल लाइंस पुलिस उसे पहले भी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जिला अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा के दौरान मेडिकल परीक्षण कराने आए आरोपी केवल चंद्र धवन ने उसकी गिरफ्तारी के पीछे एक नगर निगम से जुड़ी यूनियन के नेता का हाथ होना बताया है। रोते रोते अपनी कहानी बता रहे आरोपी केवल चंद्र धवन ने बताया कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा से एक सीट का भावी उम्मीदवार भी है। उसकी कई टेक्सटाइल कंपनियां चल रही हैं, वह कोई सड़क छाप नहीं है। उसने कहा कि वह यूनियन नेता की शिकायत उच्च अधिकारियों से करेगा। और मैंने बंदोबस्त करा वालों को बंद करा दिया। फिर घर वालों ने बताया आपको? आप तो वो चढ़ा दिया ना, बोले मैं मानूंगा नहीं, बोले मैं नहीं मानूंगा। मेरे घर में क्यों आया तू? मेरे घर बाइक से चला आया तो तू क्यों आया भाई? अच्छा बाइक पे जाने वाला था बीच में, फिर वो आ गया। पूरी कारतूस मेरी रिवाल्वर में जमा कर दिया। पूरा कारतूस एक एक कारतूस पूरा आएगा, दोनों बाइक जी पूरी है। घटना कुछ नहीं थी, इनका कोई आपसी घर का ही विवाद था, तो इनके बेटे का एके धवन जो है, जो अभियुक्त हैं, तो इनके बेटे का मेरे पास फ़ोन आता है कि भैया ये घर में बहुत क्लेश कर रहे हैं, तो आप आ जाएँ ज़रा संभालें। मैं संभालने गया हूँ तो इन्होंने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से एक साइड ही फायर कर दिया। तो मुझे कितने राउंड फायर किए होंगे? लगभग 6 राउंड उन्होंने घर के अंदर भी करे, बच्चों के साथ भी कर रहे थे अपने, 6-7 मेरे ऊपर करे। इनका कोई पहला भी प्रकरण रह चुका है? कुछ प्रकरण तो था, इनका आए दिन होते रहते हैं, पूरी कॉलोनी के अली खड़े पूरी कॉलोनी में करते रहते हैं, लेकिन आज इन्होंने घर के अंदर जो किया ये गलत है। 10-15 दिन पहले कुछ इसमें किसी के इंजरी तो नहीं हुई है? बची गया साहब, वरना इन्होंने जान से मारने की कोशिश की। पुलिस को सूचना दी? पुलिस ने क्या कहा? पुलिस को सूचना दी और पुलिस आई है और मौके से इन्होंने ले आए, इनका हथियार भी जब्त कर लिया है, इनका रिवॉल्वर ले लिया है और अभी कस्टडी में ही है। कस्टडी में है और मैंने अपनी तरफ से तहरीर दे दी है। क्या चाहते हैं वो? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो उचित कार्रवाई हो और आगे से ऐसे इंसान को तमीज मिले और कम से कम कॉलोनी में रहने का भी सीख मिले कि कैसे इंसानों को रहना चाहिए। इनके लाइसेंस निरस्त होने चाहिए, लाइसेंस इनका निरस्त हो, कम से कम हथियार इनके पास ना।